हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आईसीआईसीआई पीओ प्रोग्राम जो होता है उसमें स्टाइपेंड कितनी मिलती है और इंटर्नशिप में कितनी सैलरी मिलती है और साथ में ऑन द जॉब जो ट्रेनिंग होती है उसमें कितनी सैलरी आपको मिलती है। साथ ही में मैं आपको सैलरी स्लिप का स्क्रीन शॉट भी दिखाऊँगा, क्योंकि एक स्टूडेंट ने मुझे सेंड किया है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग जब उनकी हुई थी तो उनको जो सैलरी थी, मतलब कि उस टाइम पे जो मिलती है वो कितनी मिलती है, ठीक आपके अकाउंट में कितना आता है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। और फाइनल पोस्टिंग के बाद जो फर्स्ट सैलरी होती है वो कितनी आती है और लोन डिडक्शन के बाद क्या सैलरी होती है, तो वो मैं सारा आपको शो भी करूंगा, आपको स्क्रीन पे दिखेगा अभी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना। उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि अन अकेडमी लाया है ट्रायंप आईबीपीएस क्लर्क के लिए टेस्ट सीरीज है ये, ठीक है। प्री और मेंस दोनों का होगा, प्री का सब्जेक्ट वाइज भी होगा और फुल लेंथ भी होगा, जिसमें कि आपको सेक्शन वाइज एनालिसिस भी मिलेगी और सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस भी, और मेंस का भी आपका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होगा जिसका कि सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस भी होगा और साथ में मेंस लेवल का फुल लेंथ टेस्ट भी होगा जिसकी सेक्शन वाइज एनालिसिस भी आपको मिलेगी। जो उसमें इनरोल करने का है जो लिंक वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, ठीक। उस लिंक पे आप क्लिक करके आप उसमें इनरोल कर सकते हो। नवंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है अन अकेडमी ट्रायंप। तो फ्रेंड्स, आप ये सबसे पहले स्क्रीनशॉट देखो जो इस बार आईसीआईसीआई पीओ के लिए जो सिलेक्शन हुआ है उसमें जो रेम्यूनरेशन एंड बेनिफिट्स है वो आपको दिख रही होगी कि क्लासरूम प्रोग्राम के ड्यूरेशन में आपको 2500 मिलेगा, मतलब 2500 रुपये, और उसके बाद जो आपकी इंटर्नशिप होगी, ठीक है, जो कि 2 महीने की होगी, तो उसमें भी आपको 2500 मिलेगा। लेकिन उस 2500 में जो आपको इंटर्नशिप में मिलेगी उसमें आपको अपना फूडिंग और लॉजिंग का खुद से देखना होगा, क्योंकि आपकी इंटर्नशिप किसी ब्रांच में होगी, ठीक है। लेकिन क्लासरूम के दौरान आपको 2500 जो मिलेगा वहाँ आपकी लॉजिंग फूडिंग होगी जब आप कैंपस में रहते हो, ठीक है। तो ये हो गई इंटर्नशिप की बात और क्लासरूम प्रोग्राम की। और ओजीटी में जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 12500 रुपये या फिर 15000 रुपये, ये डिपेंड करता है सिटी पे के आईसीआईसीआई के बैंक के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली, मतलब उनका एक क्लास होता है, आप ए प्लस में आते हो या ए बी सी या डी में, मतलब की बात कर ले मेट्रो सिटी की या नॉन मेट्रो सिटी की, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए मिलेगी या तो 12500 रुपये या फिर 15000 रुपये आपको मिलेगी। ये है आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए सैलरी। उसके बाद मैं बता दूं कि ये जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए आपको सैलरी मिलेगी ये 15000 रुपये जो है जो आप मेट्रो सिटी में आपको मिलती है, उसमें आपका पीएफ कट करके आपके अकाउंट में आता है। तो आप ये स्क्रीन पे देखो, आपको दिख रहा होगा ये स्क्रीनशॉट, और मुझे एक स्टूडेंट ने अपनी सैलरी स्लिप का स्क्रीनशॉट सेंड किया है, तो आप इसमें देख सकते हो। मैं थोड़ा सा इसमें आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसमें आप देख सकते हो कि आपका ओजीटी के लिए जो सैलरी आपको मिलती है वो 15000 मिलती है, लेकिन जो आपका पीएफ है वो भी कट होता है। तो पीएफ कट होने के बाद जो आपके अकाउंट में आता है वो आता है 13,350 रुपीज़, 13,350 रुपये आपके अकाउंट में आता है, ठीक है। 15000 रुपये आपकी ओजीटी में सैलरी होती है और उसके बाद पीएफ कट होता है, उसके बाद 13,350 रुपीज़ आपके अकाउंट में आता है। और साथ में बता दूं कि ये जो सैलरी आपको मिलती है, ठीक है, जो भी आपको इन हैंड मिलती है उसमें आपका फूडिंग लॉजिंग वो आपको खुद से देखना पड़ता है, क्योंकि आपका किसी ब्रांच में होता है, आप कैंपस में तो रहते नहीं हो, जो कि लॉजिंग एंड फूडिंग का आपका जो कैंपस है वो वेयर करेगा, तो इसलिए इसमें लॉजिंग फूडिंग आपको खुद से देखनी होती है। तो ये हो गई ओजीटी की बात। तो ये जो लास्ट बैच के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मुझे सेंड किया है, तो आप देख सकते हो कि ओजीटी में क्या सैलरी आती है, आपको यहाँ पे दिख गया। उसके बाद अब मैं आपको बता दूं कि फाइनल पोस्टिंग के बाद जो सैलरी मिलती है, तो आप सबसे पहले ये स्क्रीनशॉट देखो, उसके साथ में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा कि फाइनल पोस्टिंग के बाद जो सैलरी बनती है वो बनती है 28,825 रुपीज़, 28,825 रुपये बनती है, बट डिडक्शन होने के बाद, मैं लोन की बात नहीं कर रहा, लोन का डिडक्शन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आपका जो पीएफ वगैरह हो गया, ठीक है, ये सब आपका कट होने के बाद जो आपके अकाउंट में सैलरी आती है वो आती है 26,725 रुपीज़, 26,725 रुपये आपके अकाउंट में आता है, ठीक है। तो उनका कहना था कि उनका जो लोन का जो ईएमआई है वो कट होता था एवरी मंथ के 5 को, ठीक है, 5 तारीख को उनका लोन का ईएमआई डिडक्ट होता था, तो उसमें से आप 9,000 रुपीज को लेस कर दो, जो आपको आई है 26,725 रुपीज में, आप 9,000 अगर लेस कर देते हो तो उसके बाद जो सैलरी होती है वो आपको आएगी
ठीक है, वो आपको बचेगी। ये मैं जो लोन के थ्रू जा रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ, बाकी सेल्फ फंड वालों को 26,725 रुपीज आएगी इन हैंड सैलरी। तो अगर आप लोन की ईएमआई को लेस करते हो 9,000 रुपीज को, तो आपको आता है 17,725 रुपीज, 17,725 रुपए आते हैं जो लोन के थ्रू जा रहे हैं। ठीक है, तो इनको इन हैंड सैलरी इतनी आती है। तो आप ये देख सकते हो आपके सामने है, जो आपको सैलरी इन हैंड आती है प्लस लोन का जो ईएमआई कट होता है, तो आपको अप्रोक्सीमेटली इतना इन हैंड मिलता है, मतलब आपके अकाउंट में आता है। एंड फ्रेंड्स, एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि आप इसमें 100 रुपीज ऐड कर देना, और ठीक है 26,725 रुपीज में 100 रुपीज और आप ऐड करना, क्योंकि इन्होंने जो सैलरी स्लिप मुझे सेंड की है, 100 रुपीज किसी फंड में डोनेट करती थी तो उनका 100 रुपीज भी वो पर मंथ कटता था। ठीक है, तो आपको जो सैलरी आएगी इन हैंड 26,825 रुपए, उसमें आप लोन ईएमआई को लेस कर दो तो जो सैलरी बनती है वो आपकी आएगी इन हैंड लोन वालों के लिए। तो फ्रेंड्स, ये था क्लासरूम इंटर्नशिप और ओजीटी, और उसके बाद जो फाइनल पोस्टिंग होती है उसमें जो सैलरी मिलती है, तो ये आपके सामने था लाइव। तो आई होप कि आपके समझ में आया होगा। अब मैं आपको बता दूं अनअकैडमी के बारे में कि अनअकैडमी लाया है ट्रायंफ, जो कि एक फ्री टेस्ट सीरीज है आईबीपीएस क्लर्क प्री एंड मेंस के लिए। ये सिर्फ मॉक टेस्ट कवर नहीं करेगा बल्कि आईबीपीएस क्लर्क प्री एंड मेंस का एग्जैक्ट सेम पैटर्न भी होगा। मैं थोड़ा डिटेल बता दूं आपको कि ट्रायंफ 1 नवंबर से स्टार्ट होगा फ्री टेस्ट सीरीज फॉर आईबीपीएस क्लर्क। वीक फर्स्ट एंड सेकेंड में जो होगा आपका प्री लेवल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, और उसके बाद सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस भी होगी। फुल लेंथ प्री लेवल टेस्ट, उसके बाद में सेक्शन वाइज एनालिसिस होगी। वीक 3 एंड 4 में जो होगा आपका मेंस लेवल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एंड सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस। फुल लेंथ मेंस लेवल टेस्ट और उसके बाद सेक्शन वाइज एनालिसिस होगी। स्ट्रेटेजी सेशन होगा टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, रीजनिंग एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजी अंकुश लांबा सर लेंगे, क्वांट एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजी आशीष अरोरा सर के द्वारा, इंग्लिश एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजी निमिषा बंसल मैम के द्वारा, जीए एंड एफए एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजी सुकेश भटनागर सर के द्वारा। एंड बता दूं कि लास्ट वीक डेडिकेटेड रहेगा स्ट्रेटेजी सेशन बाय टॉप एजुकेटर्स टू हेल्प यू टू क्रैक द एग्जाम। प्राइस भी है इस टेस्ट में, रैंक 1 to 5 वाले को मिलेगा अमेजोन का 1,000 रुपीज का वाचर फॉर फुल लेंथ टेस्ट के लिए। ठीक है, टेस्ट लाइव अटेम्प्ट करना है। एंड व्हाई यू शुड टेक द टेस्ट, बिकॉज इट इज क्यूरेटेड बाय टॉप एजुकेटर्स, हैज अ डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट टू टेल यू वेयर यू स्टैंड एंड ऑल्सो कंपेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड प्रिपेयर बेटर, गेट अ चांस टू विन एक्साइटिंग प्राइजेस। इनरोल करने का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करें और एक पेज आपको ऐसा अपीयर होगा, और उसके बाद आपको क्लिक करना है एनरोल पे एंड ऑल सेट। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, ट्रैक योर परफॉर्मेंस टुगेदर एंड क्रैक द एग्जाम्स। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।